सो हे एवरीवन, दिस इज ऋतुराज सिंह। यार काफी सारे स्टूडेंट कैसे डाउट आ रहे थे, चाहे हम पर्सनली मैसेज की बात करें या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जहां पे यार 3100 प्लस मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, बस आप भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो कि हमारा नीट का जो आंसर की है ये आखिर कब तक आएगा, जेईई मेन का तो आ गया है एंड बहुत सारी ऐसी चीजें यार कि हमारा रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। तो मुझे लगा यार कि इस पर एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को दे देनी चाहिए वीडियो बनाकर। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट बहुत सारे रिपोर्ट या फिर मीडिया चैनल्स के द्वारा आ रहे हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यार इस पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। इसके साथ साथ जो आपका नीट का स्टेट वाइज जो कट ऑफ है इसकी वीडियो जो आपके पीडीएफ है वो भी मैंने अपने मेन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिया, तो वो आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स बस सर्च करके आप फाइल्स में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे यार कि जो आपका नीट का एग्जाम हुआ था, आपको पता यार कि लगभग आपके लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया हुआ था एंड 95% से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यार कि आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, जिसकी वजह से यार थोड़ा सा जो आपका रिजल्ट का चेकिंग का प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अगर सीबीटी मोड की बात करें, जैसे कि आपका जेईई मेन एंड बहुत सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो थोड़ा सा उसमें यार जो चेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही इजिली हो जाता है, कम टाइम लगता है। इस वजह से यार थोड़ा सा इसमें आपका टाइम लग रहा है। सेकंड थिंग इज दैट काफी सारे स्टूडेंट नीट यूजी सेकंड अटेम्प्ट के रिगार्डिंग भी ट्विटर कैंपेन कल चलाए हुए थे, मतलब ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि एनटीए इस पे कोई एक्शन लेने वाला है, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी ये चीजें क्लियर कर रखा है और जो स्टूडेंट का कुछ स्कैम वगैरह हुआ था जैसे कि राजस्थान में, तो उनका ऑलरेडी उन्होंने अलाउ कर दिया था सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आपका आंसर की है यार वो आखिर कब तक आ रहा होगा, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड यार यहाँ पे जो बहुत सारी रिपोर्ट की आ रही है इस वीक तक एक्सपेक्टेड आ सकता है, बहुत जगह ऐसे सून सून बताया जा रहा है, बट आपका सून कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये तो हमें भी नहीं पता। और यहां पे अगर हम बात करें रिजल्ट का, तो मैक्सिमम यार आपका लास्ट ईयर या फिर उससे पहले का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो कम से कम आपको एक महीने का टाइम लगता है। तो 17 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, तो आप एक्सपेक्टेड 20 अगस्त या फिर 25 अगस्त तक एक्सपेक्टेड ये जा सकता है, क्योंकि यार आपका एक बहुत ही मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, प्रोसेस होता है और ये एकदम मतलब थोड़ा सा एक डिफिकल्टी मोड भी होता है, राइट। तो ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपके कोई डाउट्स आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और टेलीग्राम पे भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ आईसीआर की फॉर्म अगर नहीं फिलअप आप किए हैं तो जाकर फटाफट फिलअप कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आईसीआर प्लेलिस्ट की, ठीक है। और अन अकेडमी पर अगर कोई कोर्स अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन यूज माई कोड BU BUZZ, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।